सोमपुरा हमारे सहयोगी बेहद नजदीक से इस पूरी वारदात पर घटना पर नजर बनाए हुए हैं। प्रीति, क्या शुरुआती दौर में और पुलिस अधिकारी कह पा रहे हैं, तफ्तीश किस दिशा में आगे बढ़ रही है? प्रीति, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, किस तरह की तफ्तीश अब बढ़ाई जा रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस के साथ अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसमें जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रहे, तकरीबन 5 दशकों तक कांग्रेस का उनका साथ रहा। वरिष्ठ अभिनेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहे, सुनील दत्त का सानिध्य इन्हें मिला और फिर उसके बाद कांग्रेस में तेजी से कई अहम पदों पर भी रहे। माडा के अध्यक्ष रहे, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और इस वक्त भी बैंड्राइस्ट से उनके बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक हैं और उसी कार्यालय में ये पहुंचे हुए थे जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था और वहीं पर घात लगाकर इन पर हमला किया गया। शुरुआत में माना जा रहा है 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई है, एक गोली सीधे इन्हें लगी है और उसके बाद आखिरकार इनकी जान चली गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या से एक बेहद सनसनी मची हुई है पूरे मुंबई शहर में। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, भी लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं और इनसे ठीक पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष भी आशीष शेलार यहां पर पहुंचे हुए थे। आशीष शेलार ही वो बीजेपी के नेता हैं जो बाबा सिद्दीकी से पिछला चुनाव लड़कर के जीते भी थे 2014 में बैंड्रा ईस्ट की उसी विधानसभा क्षेत्र से जहां से ये लगातार 3 बार विधायक रहे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। मौके की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। मौके पर किस तरह से 3 राउंड फायरिंग की गई थी। आज दशहरे का दिन और इस दिन जबकि देर शाम को लगातार पर्व में डूबा होता है पूरा माहौल, एक के बाद एक 3 राउंड फायर किया गया। मौके की यह तस्वीर जो चिन्हित किया गया है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है और यह गहमा गहमी का आलम लीलावती अस्पताल के बाहर, जहां उन्हें तुरंत उपचार के लिए भर्ती करवाया गया लेकिन आखिरकार डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारी गई, आखिरकार गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आशीष शेलार वहां पर पहुंचे हुए, देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं लगता कि किसी सियासी अदावत की वजह से गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई होगी, कोई बिजनेस एंगल इसमें हो सकता है। हालांकि ये तमाम अपुष्ट खबरें और अभी सिर्फ आशंकाओं का ही दौर है। आधिकारिक तौर पर तफ्तीश के बाद ही कहा जा सकेगा कि हमलावर आखिर कौन थे। ये बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। गिरफ्तार लोगों में एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ इनसे लगातार जारी है कि आखिर किन के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसके पीछे मकसद क्या था। वाई कैटेगरी की सुरक्षा बाबा सिद्दीकी को, पिछले दिनों ही इनकी सुरक्षा को और बढ़ाया गया था। जिस तरह की थ्रेट मिलने की बात सामने आई है उसके बाद बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई थी। बीजेपी के राम कदम कह रहे हैं कि जब वो भी विधायक थे तभी उन्होंने देखा कि 5-स्टार होटल के बाहर भी उनकी सुरक्षा पुख्ता होती थी। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या पुलिस कह पा रही है इस पूरे मामले में, किस तरह का अब एक्शन आगे बढ़ा है? देखिए प्रशांत, जिसमें आपको बताना चाहेंगे बड़ा अपडेट सामने आया है कि अब देखिए राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि 3 आरोपी थे, तीनों बाइक सवार थे और बाइक रोकने के बाद उन्होंने सीधे बाबा सिद्दीकी पर बहुत नजदीकी से गोली मारी है, जिसमें से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 आरोपी फरार बताया जा रहा है। 2 आरोपी को जो उनके गिरफ्तार किया गया है वो, एक आरोपी यूपी का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का, दूसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, तीसरे आरोपी की तलाश अभी चल रही है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले में ये जांच की जा रही है कि आखिरकार ये जो हत्याकांड, जो गोलीबारी हुई है, वो किसके इशारे पे हुई है। लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि जो हत्यारे थे वो बाबा सिद्दीकी को किसी डराने धमकाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि शूट टू किल, यानी कि उन्हें साफ साफ ऑर्डर था कि बाबा सिद्दीकी को नजदीक से गोली मारनी है और उन्हें जान से मारना है। इस तरीके के आदेश हत्यारे को दिए गए थे। यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी को उन्होंने बिल्कुल बहुत नजदीक से गोली मारी है
और जो सूत्रों से जानकारी मिली कि बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी और 3 गोलियां लगने की वजह से उनका जो ब्लड और है, ये वो एक बेहद अहम खबर, सिर्फ 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को थ्रेट मिली थी, धमकी दी गई थी और उसकी उनकी इसी वजह से सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा, लेकिन धमकी मिली थी, उनकी सिक्योरिटी और अपग्रेड की गई थी। एक कद्दावर नेता थे और जिस तरह से धमकी उन्हें मिली थी इसकी शिकायत के बाद उनकी सुरक्षा और अपग्रेड की गई थी। अब ये जानकारी आ रही कि बेहद नजदीक से ये 3 गोलियां मारी गई है, यानी कि किसी भी ऐसी घटना की ओर इशारा नहीं है कि सिर्फ डराने या धमकाने के लिए ये फायरिंग हुई थी, बल्कि बकायदा प्लानिंग के साथ योजना बना करके दशहरे के दिन गहमा गहमी का फायदा उठा करके नजदीक से गोली मारी गई है और आखिरकार बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी गई, बांद्रा के उसी इलाके में जहां से ये 3 बार विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे। विवेक, क्या शुरुआती जांच पड़ताल में पुलिस को अब तक पता चल पाया है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरी घटना है वो तकरीबन 9:30 बजे के आसपास हुई थी। बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी में शामिल हुए थे कुछ दिन पहले कांग्रेस से, वो अपने बेटे जिसान सिद्दीकी अभी वहां के मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो अपने बेटे के ऑफिस के पास किसी काम से गए थे। इसके बाद वहां पे भीड़ भी बहुत थी क्योंकि दशहरा मेला का मौका था, दशहरे की वजह से इनके दफ्तर के बाद कई लोगों से मिलने भी आए थे। इसी भीड़ भाड़ का फायदा जो है वो आरोपी ने उठाया है। आरोपी ने बाइक से रोकी, ऑफिस के बाहर उनकी बाइक को रोकी थी और जिस तरीके से तीनों लोग उतरे थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रशांत की तो पूरी फायरिंग की गई वो शूट टू किल, यानी कि उन्हें किसी डराने धमकाने या ये हवाई फायरिंग नहीं की गई थी, बल्कि इनको जो हत्यारे थे उनको, जो शूटर थे उनको साफ तौर पर आदेश था कि शूट टू किल, यानी कि उन्हें जान से मारना है। बाबा सिद्दीकी उन्हें नजदीक से कम तकरीबन जो जानकर 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को मारी गई हैं, उनका ब्लड काफी ज्यादा निकल चुका था, वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड थे, जिसके बाद जो कार्यकर्ता थे और जो लोग उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने बाबा सिद्दीकी को तुरंत वहां से नजदीकी अस्पताल लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया। लीलावती अस्पताल में भी उनका इलाज किया जा रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। ये ऑफिशियली अब हॉस्पिटल भी बोल रही है और जितने उनके एनसीपी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी आधिकारिक रूप से बोले कि बाबा सिद्दीकी की मृत्यु हो चुकी है। अब पूरा जो एक्शन है वो मुंबई पुलिस के ऊपर है। मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखिए, जो शूटर है प्रशांत वो लोकल शूटर नहीं है। एक शूटर जो पकड़ा गया है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा शूटर जो पकड़ा गया है वो हरियाणा का रहने वाला है। यानी कि जो शूटर्स थे उनको बाहर से बुलाकर मुंबई में फायरिंग कराई गई है, तो जरूर इसके पीछे पुलिस को शक है और ये जो राजनीतिक पार्टी है उनको शक है कि इसके पीछे कई बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा गैंगस्टर इन्वॉल्व हो या कोई बड़े लोग इन्वॉल्व हो जो बाबा सिद्दीकी को मारना चाहते हो, क्योंकि देखिए प्रशांत, ये हत्याकांड बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए भी है क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं कि किस कैंडिडेट को कहां उतारा जाएगा। बिल्कुल विवेक, मौके की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। आरोपियों की तस्वीर, बाबा सिद्दीकी की तस्वीर, हाई प्रोफाइल चेहरा,